जैसे हमारा सेशन यस लाइव मे हुआ टू तो क्या आई है? हूँ मैम। मैम को लगता आवाज नहीं आ रही मामा मैम को। मैम इमामा आप हैं मीटिंग में? मैम आ जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, मैं यहाँ पर हूँ। ओके, सो माय स्क्रीन इज विजिबल? गई। यस मैम विजिबल है। ओके, सो जस्ट गिव मी अ मिनट, देन वी जस्ट स्टार्ट इट। मैम इंट्रोडक्शन आप करवा देंगे? आई कोड बिल्कुल सर आप करवा दें। ओके। मुझे अलाउ की आप स्क्रीन शेयर पॉज कीजिएगा जरा, 1 मिनट स्टॉप कीजिएगा। ओके सर। ओके मेरी स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? जी सर। ओके हमारा जो सेशन है ये 8 PM हम DSC के ऊपर स्टार्ट करेंगे इसको। उससे पहले हम छोटा सा आईकोड का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं ताकि जो न्यू मेंबर्स हैं उनको पता हो कि वो इस टाइम किस प्लेटफॉर्म पे हैं और वो क्या करने जा रहे हैं। ठीक है जी, हमारा जो इस टाइम मीटिंग हो रही है आईकोड गुरु के प्लेटफॉर्म पे हो रही है जिसका मोटो है शेयर लर्न एंड ग्रो। हमारा मिशन क्या, आईकोड गुरु का एक मिशन है सबसे पहले एम्प्लॉयबिलिटी को इंक्रीज करना, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स को हाई टेक स्किल्स पहुंचाना, उसके बाद स्टूडेंट्स को मिलवाना इंटरनेशनल मेंटोर्स के साथ। ठीक है जी, पाकिस्तान में जो हमारे हैं हमारे स्टूडेंट्स हैं जो स्पेशली हमारी IT फील्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता ही नहीं है कि उनका उनका जो है फील्ड या वो जिस चीज चीज को पढ़ रहे हैं उन्होंने आगे जाके किसको कहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है, कहाँ पे यूज करना है। तो हमारा जो आईकोड गुरु है उनको एग्जैक्ट सही पाथ देता है कि आपने किस तरह किस फील्ड में जाके अपने आप को यूटिलाइज करना है। ओके जी, हम आवर फोकस एंड हाउ वी वर्क, हमारा फोकस क्या है और हम काम कैसे करते हैं। हमारे डेली 22 सेशंस होते हैं पर डे। इन 1 वीकली वेबिनार होता है और 1 वीकली वर्कशॉप होती है। डेली बेसिस पे हमारे 22 सेशंस होते हैं डिफरेंट सेशन मल्टीपल टॉपिक्स के ऊपर। उसमें IELTS होता है, उसमें लीट कोड होता है, उसमें DSA होता है, उसमें पाइथन होता है, मल्टीपल टॉपिक्स होते हैं उनके ऊपर 22 सेशंस हो रहे होते हैं। उसके बाद 1 वीकली वेबिनार रखा जाता है इंटरनेशनल मेंटोर्स के साथ जो आपको आगे बताते हैं कि इंटरनेशनल दुनिया में क्या चल रहा है और आप इस टाइम कहाँ पर हैं। उसके अलावा एक वीकली वर्कशॉप रखी जाती है, उसके अंदर भी कोई ना कोई हमारा जो इंटरनेशनल मेंटोर है उनको इनवाइट किया जाता है कि वो आगे हमें बताएं और हमें किसी न किसी टॉपिक पर कोई एक अच्छी सी वर्कशॉप दें। ठीक है जी, उसके बाद पाइथन फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर्स जो हमारा एक रोड मैप होता है ना जो हम कह सकते हैं कि वो एक हम स्टार्ट करते हैं पाइथन के साथ अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। पहले हम पाइथन सीखते हैं, उसके बाद हम अपने आप को स्विच करते हैं DSA के ऊपर, फिर हम अपना लीट कोड स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, सबसे पहले हमारा पाइथन फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर्स का एक सेशन होता है जिसके अंदर हम स्टूडेंट्स को बेसिक्स सिखाते हैं। उसके अलावा प्रोग्रामिंग के अलावा अब टाइकोड गुरु अपने स्टूडेंट्स को तैयार करते हैं कि उन्होंने किस तरह इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स को अचीव करना है, किस तरह अपने आप को तैयार करना है कि जब कोई किसी आउट ऑफ कंट्री स्पेशली अमेरिका में जब कोई स्कॉलरशिप आए किस तरह आपने अपनी CV को बनाना है कि इंटरनेशनल CVs को हटा के हमारी CV को प्रेफर किया जाए। तो उसके लिए हमारे लिए जरूरी कुछ कुछ चीजें हमें रिक्वायर्ड होती हैं, बेसिक चीजें जिनके बगैर हमारी CV अच्छी नहीं हो सकती, स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती, जिसमें प्रोग्रामिंग है। उसके अलावा IELTS हमें चाहिए होता है फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमने किसी भी आउट ऑफ कंट्री में अगर जा किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ना हो तो हमें IELTS की जरूरत होती है। तो IELTS के आईकोड गुरु के ऊपर IELTS और GRE के मल्टीपल सेशंस होते हैं जिसमें बच्चों को उसकी उनकी तैयारी करवाई जाती है IELTS के लिए। उसके अलावा DSA लीट कोड के इंटरव्यू प्रॉब्लम्स यानी कि हमारे मल्टीपल सेशन होते हैं जिसमें DSA आ जाता है, लीट कोड आ जाता है और स्टूडेंट्स को तैयार किया जाता है कि वो किस तरह जो फैंग कंपनीज हैं, फैंग मीन्स हो गया फेसबुक एप्पल एमेजोन नेटफ्लिक्स गूगल, ये जो फैंग कंपनीज हैं इनके इनके जो इंटरव्यूज हैं इनको कैसे क्रैक करना है। स्टूडेंट्स को हमारे जो आईकोड गुरु के स्टूडेंट्स हैं उनको तैयार किया जाता है। इसके अलावा मशीन लर्निंग और डेटा साइंस के भी मल्टीपल सेशन होते हैं और ये सारे के सारे सेशंस आईकोड गुरु के फेसबुक पेज पे लाइव किए जाते हैं और वहाँ पे हर वक्त अवेलेबल रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप 1 मंथ बाद या 2 मंथ बाद अगर आप रिवाइज करना चाहें वहाँ वहाँ से आप फेसबुक लाइव पेज पर जाके इजिली वहाँ से उनको एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम रिसेंट अचीवमेंट्स की बात की जाए, रिसेंट अचीवमेंट्स में हमारे जो स्टूडेंट्स हैं 700+ स्टूडेंट्स ने इंटरनेशनल अवार्ड्स इन हैकाथॉन एंड कॉम्पिटिशन यानी कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इंटरनेशनल हैकाथॉन में 700+ अवार्ड्स अचीव किए हैं। फुली फंडेड ग्रेजुएट एडमिशन अराउंड द वर्ल्ड वाइड इंक्लूडिंग यूएसए और वर्ल्ड वाइड में हमारे बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स अचीव की हुई है।
आप इनकी एग्जांपल्स अगर आप देखना चाहें, अगर आप आईकोड गुरु की लिंक्डइन प्रोफाइल या फेसबुक के पेज पर जाएं तो आपको मिल जाएंगे। अभी रिसेंटली जो शेयर की गई वो सर अहमद जज्जा हैं, जिन्होंने भी पीएचडी के लिए स्कॉलरशिप अचीव किया अमेरिका में, ठीक है जी। उसके बाद लोकल एंड इंटरनेशनल इंटर्नशिप्स एंड जॉब्स, और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने लोकल और इंटरनेशनल बहुत सारी इंपॉर्टेंट जो है इंटर्नशिप्स उनको अचीव किया है। उसके अलावा उनको इंटरनेशनल जॉब्स भी ऑफर हुई हैं। आवर 38 टीम सॉल्व 9x9 पजल्स, ये एक कॉम्पिटिशन होता है जिसमें हमारी जो है आईकोड ग्रुप की टीम्स पार्टिसिपेट करती हैं, और हमारी 38 टीम्स ने 9x9 पजल में 9x9 पजल सोल्व किए हैं इन CS50 पजल डे, ठीक है जी, बाय दी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। ये जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक होता है कॉम्पिटिशन होता है, ठीक है, CS50 पजल डे, इसके अंदर हमारी 38 टीम्स ने 9x9 जो है पजल्स वो सोल्व की हुई है। इसके अलावा 72 मेंटोर्स सिलेक्टेड एट आई कोड इन एट कोड इन प्लेस स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक और प्रोग्राम होता है कोड इन प्लेस, उसमें हमारे 72 मेंटोर्स सिलेक्ट हुए थे इन 2024। 301 स्टूडेंट्स फ्रॉम आई कोड गुरु पार्टिसिपेट इन गूगल कोड जैम 2023। गूगल कोड जैम एक इंटरनेशनल गूगल कॉम्पिटिशन है जो कि लास्ट टाइम खत्म हो चुका है, उसका लास्ट जो है फेयरवेल कॉम्पिटिशन था, उसके बाद कोई भी गूगल जैम कॉम्पिटिशन नहीं होगा। तो हमारे 301 स्टूडेंट्स ने उसके अंदर पार्टिसिपेट किया था, ना सिर्फ पार्टिसिपेट किया था एक अच्छा परफॉर्म भी करके दिखाया था। 3 इंटर्न्स वेंट टू इतिहाद एविएशन ग्रुप वर्ल्ड हेडक्वार्टर्स अबू धाबी। हमारे जो 3 स्टूडेंट्स थे उन्होंने इंटर्नशिप ली थी इतिहाद एविएशन ग्रुप्स में, ठीक है। ये हमारी जो कुछ रिसेंट अचीवमेंट्स हैं जो हमारे स्टूडेंट्स ने आईकोड गुरु के प्लेटफॉर्म पे आगे सीख के लर्न करके और इस काबिल हुए कि उन्होंने हमारी ये अचीवमेंट्स हासिल की हैं। उसके बाद ही फुली फंडेड फुली फॉल 2024 फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स इन USA। हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी इसी 2024 में USA के अंदर फुली फंडेड स्कॉलरशिप अचीव की है, और हम ये नहीं कह सकते वो स्टूडेंट्स किसी हाई फाई यूनिवर्सिटीज के साथ थे या उनकी CGPA बहुत ज्यादा थी, नहीं, उनकी CGPA की रेंज जो है 3.1 to 3.8, इनके दरमियान उनकी CGPA थी। अगर आइल्स में उनके देखा जाए तो उनके जो बैंड की रेंज है वो 6.5 से 7.5 तक थी। पब्लिकेशन, उनकी कोई पब्लिकेशन नहीं थी, उनके पास GRE नहीं था, उनका स्टडी गैप, इवन के 15 ईयर्स का स्टूडेंट स्टडी गैप भी था कुछ स्टूडेंट्स का, ठीक है। इसके अलावा 100% फी वेवियर स्कॉलरशिप्स ऑफ 1100 डॉलर्स to 3000 पर मंथ। बैंक स्टेटमेंट, उनकी बैंक स्टेटमेंट बिल्कुल जीरो थी, ठीक है। वो ये सारे स्टूडेंट्स हमारे आईकोड गुरु के स्टूडेंट्स हैं, जिनमें अगर हम देखा जाए UF यूनिवर्सिटी आ जाती है, कायद अजम यूनिवर्सिटी आ जाती है, ठीक है। जिसके अलावा बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो उनको हम ये नहीं कह सकते। अब UF यूनिवर्सिटी से अभी रिसेंटली हमारे 3 जिनकी मैं बात कर रहा था, सर अहमद जज्जा, हमारे US यूनिवर्सिटी के ही हैं जो इन्होंने अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कम्प्लीट की है। तो UF यूनिवर्सिटी को बहुत कोई हाई फाई यूनिवर्सिटी नहीं काउंट किया जाता इस फील्ड में, स्पेशली टेक फील्ड में, लेकिन फिर भी उन्होंने इस चीज को अचीव किया। वो इस काबिल कैसे, वो आईकोड ग्रुप में आईकोड गुरु ने उनको ट्रेन किया कि वो इस काबिल हो जाएं कि वो इंटरनेशनल स्कॉलरशिप को अचीव कर सके। ओके जी, करंट अपॉर्चुनिटीज, वर्ड स्प्रिंट डेवलपर हैकाथॉन 3.0। अभी एक हैकाथॉन चल रहा है जिसमें आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके जो बेनिफिट्स होंगे वो नेटवर्किंग एंड टीम वर्क, आपको नेटवर्किंग आपको आएगी, आपको नेटवर्किंग मीन्स आपका इंटरनेशनल कनेक्शंस आपके साथ ऐड होंगे। इसके अलावा आपको टीम वर्क, आपकी आपको टीम वर्क करना है, किस तरह हम टीम वर्क कर सकते हैं। इन शॉर्ट, एडवांस टेक्नोलॉजीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड बिल्डिंग पोर्टफोलियोज, लिंक्डइन प्रीमियम वाउचर। हमारे जो हैं जो हैकाथॉन है, इसके जो बेनिफिट्स हैं उनमें से ये भी आता है कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं इन्हेंस होती है। इसके अलावा उनकी जो है पोर्टफोलियो को एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बन जाता है। इसके अलावा उनको लिंक्डइन प्रीमियम के वाउचर्स दिए जाते हैं जिनके साथ वो अपनी लिंक्डइन प्रीमियम हासिल कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच। आपको रजिस्ट्रेशन लिंक के आपने कैसे आई कोड ग्रुप को ज्वाइन करना है उसका रजिस्ट्रेशन लिंक आपको चैट के अंदर शेयर कर दिया जाएगा। और इसके अलावा आपको पास अगर आपने किसी भी सेशन की रिकॉर्डिंग अगर आपने लेनी हो तो आप सिंपली फेसबुक पर जाकर सर्च करेंगे आई कोड ग्रुप, स्टॉप के ऊपर ही हमारा फेसबुक पेज आ जाएगा जिसको जहाँ से आप अपनी सारी रिकॉर्डिंग्स को देख सकते हैं और ले सकते हैं। आई कोड ग्रुप के रिलेटेड किसी का कोई भी क्वेश्चन हो। भाई ये जो वर्ड स्प्रिंट है हैकाथॉन हो रही है, तो इसमें वर्डप्रेस के रेलेवेंट प्रोजेक्ट्स होंगे, क्या सीन है इसका? वर्ड जनरल वर्ड डेवलपमेंट हो सकता है। जी, वर्डप्रेस के रिलेटेड भी होंगे। आपने स्लैक ज्वाइन किया हुआ है कोड गुरु का? जी, मैं तकरीबन 2 महीने से, लेकिन अभी वो मैंने हैकाथॉन नहीं देखा था उसका, वर्ड स्प्रिंट का। ओके, नो प्रॉब्लम। आपने ना जो वर्डप्रेस वाला चैनल है वहां पर आप जाएं, वहां पर आपको सारी डिटेल्स जो है हमारे मॉडरेट्स वो प्रोवाइड कर देंगे कि ये किस तरह वेबिनार, ये ये जो लेकिन हैकाथॉन होगा ये किस। वर्डप्रेस मैं नहीं करता, मैं फुल स्टैक करता हूँ इसमें, मन स्टैक में।
तो अगर वर्ड प्रेस किया है तो ठीक है, रहने दो। उसके लिए वर्डप्रेस आना चाहिए अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं तो। बाकी डिटेल्स आपको स्लैक चैनल में कंप्लीट ए टू जेड सारी गाइडेंस वहीं से मिल जाएगी। इसके अलावा किसी को क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम, मैं जरिया बात कर रहा हूँ। मेरे केस से एक रेलिवेंट क्वेश्चन है। जी, वालेकुम। सबसे पहले मेरा ये क्वेश्चन है कि मैं ये पूछना चाहता हूँ चाह रहा हूँ कि एक मुझे मैं ऑलरेडी ऑलमोस्ट 4 साल से फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ मोशन ग्राफिक्स एंड प्रोमोशनल वीडियोस सास एक्सप्लेनर वीडियोस में। तो मैंने मेरे किसी ही एक रिसेंटली एक वीडियो आईकोड ग्रुप पे ही एक मेरे फेलो की थी उसामा की, तो उसने मुझे यहाँ पे रेफर किया। मेरा इससे रेलिवेंट एक सवाल है कि ऑलरेडी मैंने ज्वाइन किया, उस ज्वाइन करने के बाद ये आईकोड ग्रुप पे ज्वाइन करने के बाद मुझे स्लैक का ये सारा एक चैनल तक मुझे पहुंचाया गया, मुझे मेरी एक्सेस हुई। तो उसके बाद ये फर्दर जितना भी कोर्स होगा सारा इसी स्लैक चैनल के थ्रू ही चलता रहेगा। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है। फर्स्ट मैं आपको आंसर करता हूँ। हमारे आईकोड ग्रुप में जितनी भी चीजें शेयर की जाती हैं, जितना भी कंटेंट शेयर किया जाता है ना, वो इन्हीं इसी स्लैक चैनल्स के अंदर शेयर किया जाता है। जिस जो चैनल जिस चीज के रिलेटेड है वही डाटा, जैसे हमारा जो सेशन है इसका जो चैनल है वो Track 1 8 PM DSA फॉर एब्सोल्यूट बिगनर्स, इस चैनल का नाम है। ठीक है, तो हम जितना भी डाटा शेयर कर रहे होंगे अपने क्लासेस को दौरान जो चीज पढ़ रहे होंगे, हम सारा उस चैनल के अंदर शेयर कर रहे होंगे। तो आप आपको फॉर एग्जाम्पल हमारे सेशन के रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेश्चन जो आपको समझ ना आया हो, कोई क्लास में कुछ ये समझ ना आई हो, तो आप उस चैनल में जाके हमसे पूछ सकते हैं कि सर ये चीज़ नहीं समझ आई थी तो मुझे बताएंगे, ये चीज़ मुझे चाहिए, आपने क्लास के दौरान ये चीज़ करवाई थी, ये चीज़ मुझे चाहिए, तो आप उस चैनल में जाके आप पूछ सकते हैं। ठीक हो गया। और मेरा दूसरा क्वेश्चन ये कि मैं नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ, तो जैसा कि इस कोर्स का नाम जैसा कि इसका नाम है फॉर एब्सोल्यूट बिगनर्स, तो मैं इस चीज़ की उम्मीद करता हूँ कि डेफिनेटली नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से जो भी स्टूडेंट्स होंगे वो भी इस कोर्स को इजीली लर्न कर पाएंगे। मेरा जो मेन क्वेश्चन है वो ये कि इसकी ड्यूरेशन कितनी होगी, क्या ये इसकी कोई स्पेसिफिक ड्यूरेशन होगी, क्योंकि ऑलरेडी ड्यूरेशन मैंने देखा है कि एक ऑलरेडी चैनल का नाम 9 PM से 9 PM था, तो उसको 8 PM में रीनेम किया गया है। तो मतलब डेफिनेटली चेंज जो किया पहले गया। वाला 10 PM वाला जो पहले वाला जो सेशन चल रहा था, आई थिंक वो कंप्लीट हो गया था, वो कोर्स कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद ही इसको किया गया। तो एक स्पेसिफिक इसकी ड्यूरेशन क्या है? ओके, मैं आपको कैसे समझ गया मैं आपको बताता हूँ। हमारे जो कोर्स की ड्यूरेशन होगी वो होगी 8 to 10 weeks। ये हमारे लिए कोई ऐसा ट्रिक नहीं है कि हमने इसी के दौरान ही कंप्लीट करना है। ये डिपेंड करता है हमारे स्टूडेंट्स कैसे सीख रहे हैं। अगर वो जल्दी पिक कर रहे होंगे चीज़ों को, वो जल्दी सीख रहे होंगे, तो हम सेशंस को जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे साथ ज़्यादा बिगनर्स हैं जो नहीं समझ पा रहे, हम उनके अकॉर्डिंग स्लो स्लो चलेंगे बेशक। हमारे लिए कोई स्ट्रिक्ट नहीं है कि हमने इसी ड्यूरेशन में ये कोर्स खत्म करना है हर हाल में। तो ये डिपेंड करता है हमारे स्टूडेंट्स के ऊपर। अगर उनको चीज़ समझ आ रही है तो फिर हम आगे चलेंगे, अदरवाइज हम उनको एक्सप्लेन करेंगे। और अगर ठीक आपने हो कहा कि आपका टेक बैकग्राउंड नहीं है तो बेफिक्र हो जाएं सर, आपको इस कोर्स के बाद आप लीड कोड पे इस तरह कोडिंग करेंगे जैसे कोई कोई प्रो लेवल का प्रोग्रामर कर रहा होता है। बेफिक्र हो जाएं। इंशाल्लाह, मैं इस चीज़ की उम्मीद करता हूँ और मैं उम्मीद भी रखता हूँ कि इंशाल्लाह इससे बहुत अच्छे लर्निंग होगी। और मैं नॉन टेक्निकल, जैसे कि मैंने पहले बोला, मैं नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ, तो डेफिनेटली अगर टेक्निकल में जाता हूँ तो जहाँ जैसा कि आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि ये USA में काफ़ी ऑल भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने, बेसिकली मेरा एम USA में स्कॉलरशिप नहीं है, बट जस्ट इन केस अगर लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो डेफिनेटली अवेल कर लेना चाहिए। लेकिन नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के साथ टेक्निकल की ये कोर्सेज क्या आगे बेनिफिशियल होंगे? ओके, मैं आपको चीज़ बताता हूँ। हमारे साथ मैम सहर मौजूद होंगी मीटिंग में। मैम सहर अब हैं? जी सर, मैं मीटिंग में मौजूद हूँ। ओके मैम, आप सर को गाइड करना चाहेंगे। वो सर कह रहे हैं कि मैं एक नॉन टेक फील्ड से हूँ और क्या मैं ये कोर्स बाद में मेरे काम आ सकता है, तो आप ज़रा अपना बैकग्राउंड बताएं और आप बताएं कि अब आप क्या करना चाह रहे हैं। हाँ सर, मेरा बैकग्राउंड भी नॉन टेक है। मैंने केमिस्ट्री में BS किया है, इसी साल मैं ग्रेजुएट हुई हूँ। तो सर, अब जो न्यू इरा स्टार्ट हो रहा है उसमें कोडिंग ही है और साथ में AI है। अब जो काम, अब जैसे डेटा एनालिसिस करना है, आप पाइथन से कोड रन करके बहुत इजीली कर सकते हैं। जैसे अब लीट कोड हम करेंगे ना, इसमें सब कुछ जो है वो लॉजिक बिल्डिंग है। हम कितना अच्छा लॉजिक बिल्ड करके कोड को राइट कर सकते हैं। इसी तरह जब हमने डेटा एनालिसिस करना है, हमारे पास बहुत ज्यादा डेटा आएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर केमिस्ट्री की फील्ड से लूँ तो मुझे डेटा चाहिए कि मुझे मैंने पेपर बहुत से डाउनलोड किए हैं,
और मेरे पास उनमें बहुत सारा डेटा है, और मेरे पास वो टेबल्स की फॉर्म में होगा, मेरे पास किसी भी फॉर्म में होगा, मुझे उसको क्लीन करना है डेटा को, फिर मुझे एक कमांड देनी है कि मुझे सिर्फ ये चीजें चाहिए रोज में, और इस कॉलम में मुझे ये चीज चाहिए, और मैं उसको ये कमांड दूंगी पाइथन में, और वो मेरे पास राइट होके अलग से कॉलम्स बन जाएंगे, ठीक है ना। ये क्या होगा, जो प्रोसेस मैंने बहुत टाइम करके करना है, मुझे 3 से 4 घंटे लगेंगे वो डेटा करने में, लेकिन अगर मैं पाइथन से करूंगी मुझे हार्डली 30 to 40 मिनट्स लगेंगे अगर मुझे पाइथन आती हुई, ठीक है। इसके अलावा अगर मुझे ग्राफ्स बनाने हैं, मुझे चार्ट बनाने हैं, मुझे और भी बहुत सी चीजें हैं जो मैं पाइथन से कर सकती हूँ, तो इसका ये फायदा होगा कि जो टाइम होगा ना, जो टाइम ड्यूरेशन मुझे एक चीज को करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, वही अगर मैं पाइथन को कोड रन करके करूंगी तो मेरा टाइम बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। इसका क्या बेनिफिट होगा कि मैं जो काम, एक मेरी रिसर्च है उसमें मैं बहुत कम जो वेरिएबल्स हैं या एस्पेक्ट को नोट कर रही हूँ, मैं उससे ज्यादा कर सकती हूँ कम टाइम में, इसीलिए मैं पाइथन सीख रही हूँ, क्योंकि अब नेक्स्ट जो प्रोफेसर हैं वो भी यही कह रहे हैं कि आप सीखें तो आपके पास अगर ये नॉलेज ज्यादा होगा तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा होंगी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये। जी बिल्कुल, मुझे काफ़ी हद तक इस हवाले से तो एक क्लियर हो गया कि ये कोर्स आगे डाटा को सॉर्ट करने में और उसको कंपाइल करने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और एक चीज़, और दूसरा ये कि बेसिकली ये बैकग्राउंड से इररिलेवेंट है, ये टेक्निकल नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड में रिसर्च से रेलिवेंट होगा, लेकिन क्या ये कोर्स आगे कहीं ना कहीं हेल्पफुल होगा स्कॉलरशिप में? जी सर, मैं वो तो कह रही हूँ कि जो प्रोफेसर है ना, प्रोफेसर हर जगह यही देख रहे हैं कि हम आपके पास कोडिंग के स्किल्स हों, आपके पास कोडिंग के स्किल्स हों, आप ज्यादा एफिशिएंट काम कर सकते हैं। देखें, कोडिंग का ये मतलब नहीं है कि आपने बहुत ज्यादा कोड रन करने, आपको आपने डेवलपमेंट की तरफ जाना है, जैसे ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, नो। हमने जो अपनी डोमेन में रह के वो काम करना है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी कहा कि लीट कोड के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो डीएसए है, वो इसलिए नहीं होता कि आप बहुत ज्यादा वेब डेवलपमेंट की तरफ जाएं, वो लॉजिक बिल्डिंग है कि आप की एनालिटिकल एबिलिटीज कितनी अच्छी हैं। तो सर ये हमें बहुत हेल्पफुल होगा नेक्स्ट। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच मैम। और मेरा एक लास्ट क्वेश्चन ये है, अस्सलाम वालेकुम सर। मेरे ख्याल में कोई और बात करना है, मेरा ये लास्ट हेलो, अस्सलाम क्वेश्चन। वालेकुम सर। हेलो, आवाज आ रही है सर मेरी? वालेकुम जी, सलाम। सर हमें आपकी आवाज आ रही है। सर मेरा एक क्वेश्चन है, मैं डेटा एनालिस्ट की फील्ड में जाना चाहता हूँ। मैंने बेसिकली बीकॉम किया हुआ है सर, तो डीएसए मेरे लिए कितना हार्मफुल होगा, इसके बारे में थोड़ा बता दें सर मुझे। ओके सर, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करता हूँ। जो एक सर सेकंड पहले सर, क्वेश्चन कर रहे थे वो, मेरा बेसिकली जी आप इसी से क्वेश्चन। रेलेवेंट क्वेश्चन था, लेकिन भाई ने इंटरप्ट कर दिया। जो मेरा रेलेवेंट क्वेश्चन था वो यही क्वेश्चन था कि डीएसए का बेसिकली एक्चुअली में प्रैक्टिकल लाइफ में इसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं और क्या इसका स्कोप है अपार्ट फ्रॉम द करिकुलम। सर मैं इसका ओके आंसर जी देना चाहूंगी, समझती जी मैम बोल। हूँ। अच्छा सर, लाइफ के अंदर या अभी भी आप किसी भी अपने डिवाइस को पकड़ लें, आपकी हर चीज के अंदर डेटा स्ट्रक्चर है। आप लाइब्रेरी से एक बुक उठाने से लेके, डिक्शनरी की कोई चीज खोलने से लेके, आप गूगल मैप के ऊपर कोई सर्च करने से लेके, फेसबुक के ऊपर कोई आप चीज ढूंढ रहे हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ कनेक्शन बिल्डअप करते हुए, लिंक्डइन के ऊपर किसी को अप्रोच करते हुए, हर एक चीज के अंदर अल्टीमेटली जो बेसिक है उसकी, वो सारी की सारी डीएसए है, और डीएसए ही एंड है। अगर आपको डीएसए के ऊपर ग्रिप है, आपका जो माइंड होगा वो बहुत ज्यादा शार्प होगा, आपको पता चलेगा कि चीजें होती किस तरह है, कंप्यूटर की लैंग्वेज के अंदर वो किस तरह एनालिसिस और किस तरह समझ रहा होता है, लेकिन वो सब कुछ आपको समझ आएगी इसी, जो हमारा जो आज का टॉपिक है डीएसए का, जो हमारा फर्स्ट सेशन है उसी के इंट्रो के अंदर। तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, आपके सारे के सारे क्यूरीज या जो सब कुछ है कि यार क्यों डीएसए, हर कोई डीएसए डीएसए क्यों कर रहा है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, सारी की सारी चीजें आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। सर सर, आप यहाँ पर हैं? जी जी मैम, थैंक यू सो मच। मेरे जो बेसिकली सारे मेन क्वेश्चन थे वो क्लियर हो गए, बाकी डेफिनेटली जो भी किसी भी किस्म की जो कंफ्यूजन होगी वो कोर्स के साथ साथ वो क्लियर होती रहेगी। थैंक यू सो मच। एग्जैक्टली सर।
सर कि कोई भी डाउट्स हैं आप इजीली आपने स्लैक के चैनल के ऊपर मैसेज कर देना है, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर आपको सपोर्ट करने के लिए, आपको जवाब देने के लिए, कोई भी जो आपकी किसी भी, तो वो इसके लिए कोई टेंशन नहीं। ओके जी सो आई अस्सलाम थिंक वालेकुम सो जी मैम, मेरा बस एक छोटा सा क्वेश्चन है और ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं, कि ये फॉल जो 2025 आ रहा है, अगर हम स्कॉलरशिप के लिए वो टारगेट करें तो उसकी डेडलाइन क्या होनी चाहिए? सर अतीम, आप इसका जवाब देना चाहेंगे? ओके सर, फॉल 2025 के लिए एडमिशन्स की ना अभी से स्टार्ट हो रहा है, यानी हमारे जो है ना, हमारे जो सीनियर्स जिन्होंने इस बार अप्लाई करना है, हम तो अभी नहीं कर सकते क्योंकि मेरा अभी हम लोग अभी पीछे, हमें फॉल 2026 में अप्लाई करना है। तो जो हमारे सीनियर्स हैं जो अप्लाई कर रहे हैं, तो जिन्होंने करना है 2025 में, उन्होंने स्टार्ट कर दिया वो अप्लाई, यानी अपना आइल्स कम्प्लीट करके अपनी प्रोफाइल का वाइटअप करके वो अप्लाई करने के प्रोसीजर की तरफ जा रहे हैं। सर फॉल हेलो 2025 की जो एडमिशन की डेडलाइन है वो वेरी करती है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, लेकिन जो मोस्ट जो डेडलाइंस होती हैं वो दिसंबर की 1st, दिसंबर 15 या जनवरी की 1st, ये सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन डेडलाइंस हैं हमारी जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं। और उसके अलावा अगर आपने स्प्रिंग में जाना है तो स्प्रिंग की बहुत कम होती हैं स्कॉलरशिप्स और उनकी डेडलाइंस होती हैं अक्टूबर में। तो आप अगर अब अप्लाई करना स्टार्ट कर रहे हैं तो दिसंबर तक अगर आप करें तो आपके पास 3 माह है, आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच ओके थैंक यू मैम। सर, होप सो आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। आई थिंक सो काफी ज्यादा टाइम हो गया है, 8 हमारा जो था वो स्टार्टिंग टाइम था, 8:27 हो गए हैं, तो हमें थोड़ा मूव फॉरवर्ड करना चाहिए अपने कोर्स की तरफ। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, फील फ्री टू आस्क, आप स्लैक के अंदर टैग कर लें किसी को भी, आपको बहुत सारे आंसर्स मिल जाएंगे। ओके सो आई थिंक सो वी जस्ट हैव टू बिगिन दिस सेशन। हमारा जो सेशन है ये 8 PM DSA का सेशन है जो बिगनर फ्रेंडली है, आपको सारा A to Z सब कुछ बताया जाएगा, एग्जैक्टली चीजें किस तरह DSA के अंदर हो रही होती हैं और ऑल DSA से रिलेटेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी अपनी टीम के साथ, जो हमारी टीम होगी जो 8 PM DSA सेशन को चला रही होंगी। सो आवर फर्स्ट इज यंग ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट मैम सहर, जिन्होंने आपके क्वेश्चंस के आंसर्स भी दिए। सेकंड वन द टेकी बॉय, द प्रो इन DSA लीड कोड के अंदर हमारे पास जो है सर हसन है, और उसके बाद जो है द पाइथन गीक जो है सर हतीम है, जो आपके सारी क्वेरीज के आंसर दे रहे थे, जिन्होंने आई कोड का इंट्रो भी किया। एंड लास्ट वन आई एम ऑल्सो द ट्रेनर, सर हसन और मैं इस सेशन को ट्रेन कर रहे होंगे। आई एम इमामा कायनात, 20% बैचलर्स इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फ्रॉम फास्ट। और बाकी इफ यू वांट टू नो अबाउट मी यू कैन सी माय लिंक्डइन एंड माय अदर प्रोफाइल्स, उससे ज्यादा चीजें हो जाएंगी। अभी हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है तो हमें अपने सेशन की तरफ जाना चाहिए। सो मिस एक्सक्यूज मी, मिस एक छोटा सा, सॉरी आई एम कटिंग यू, सॉरी मैं एक छोटा सा बस क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ मिस। यू हैव अ यूट्यूब चैनल, यू आर रनिंग इट, एंड प्लीज या मैम कैन आई यू, हैव अ यूट्यूब चैनल बट एट दिस टाइम करंटली आई एम नॉट फोकसिंग। सॉरी आवाज आपकी कट रही थी। मैम मैं मेरा यूट्यूब चैनल है लेकिन मैं उसको इस टाइम फुल फोकस नहीं उसके ऊपर कर रही, बट यस आई ओके हैव। बट नो नो इट्स ओके, बट जस्ट आई वांटेड टू आस्क यू दैट ऑन व्हिच डोमेन यू आर प्रिपेयरिंग वीडियोस, आई मीन अगर डीएसए और इन सब के, दैट वुड बी रियली हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ अस। ओके सो इट वाज बेसिकली आई एम फ्रॉम डेटा एनालिसिस, सो मैंने थोड़े से डेटा एनालिसिस के प्रोजेक्ट्स वगैरह शेयर किए हैं। कुछ एक लैंग्वेज है हैस्कल, फंक्शनल प्रोग्रामिंग की, मैंने उसके लेक्चर्स वगैरह अपलोड किए हैं, तो ऐसे चीजें ओके दैट्स जो बहुत ज्यादा नहीं मिलती मैंने उन चीजों को शेयर किया। यू ओके कैन ओके आल्सो सी थैंक यू। ओके 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 इट्स सो गेटिंग लेट, तो मैं फिर आपसे बाद में इंशाल्लाह कांटेक्ट करूंगी, बट या थैंक यू मैम सो मच। श्योर आप कीजिएगा। ओके 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 थैंक यू। सो हम लोग आ जाते हैं, यू आर वेलकम मैम। ओके सो हमारा जो आज का कोर्स है, जस्ट गिव मी अ मिनट कि मुझे शो हो रही है उसको खत्म कर दूं। ओके सो हमारा जो आज का सेशन है, जो सारा उनवान था जिसके ऊपर सारी बात की है, वो है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम के बारे में मैं बताती हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगी कि डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम के अंदर हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग थोड़ा डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम के ऊपर पढ़ लेते हैं। अगर हम इस पूरे वर्ड को देखें, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, उसके अंदर पहली बात आ जाती है डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ वैल्यू। हर चीज एक वैल्यू है। वैल्यू किस तरह है? आपने एक मोबाइल के अंदर कोई इमेज देख रहे हो, वो एक पिक्सल की फॉर्म में आपको शो हो रहा है। ओके सो कंट्रोल इफ आई सी कि अगर आप देखो अपने मोबाइल के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर कोई फोटो करते हो, आप उसको ज्यादा से ज्यादा जूम करते हो तो आपको एक पिक्सल सा शो होता है।
अभी मैं इसके ऊपर करती हूँ तो मैं आपको दिखाती हूँ लाइक, ठीक है? तो अभी पिक्सल की इमेज के अंदर क्या होता है, अब ये है आपको एक पिक्सल शो हो रहा है। ये एक पिक्सल के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर आपका जो डेटा होता है ना, सबसे अगर एंड एंड टू एंड बात करूँ ना, वो बिट्स के अंदर स्टोर होता है। एक चीज है जिसको हम लोग कहते हैं बिट, ट्रांजिस्टर 1 और 0 के फॉर्म में स्टोर होता है। और अगर हम लोग उसी चीज को देखें ना, उसी चीज को मानते हुए, हमारे पास कोई भी इमेज बन रही होती है ना, वो डिफरेंट पिक्सल के सेट से बन रही होती है। और वो जो पिक्सल होता है ना, एक पिक्सल, ये एक कलर जो आपको शो हो रहा है, उसका मतलब क्या होगा कि आपके पास ना एक 3 रंगों के साथ मिलके कोई भी कलर बनता है, रेड ग्रीन और ब्लू। उन्हीं को हम लोग आपस में इस तरह मिक्स करते हैं कि हमारे पास ये एक डब्बा बन जाता है। ये एक छोटे छोटे डब्बे करके ना, आपको इस टाइम लैपटॉप की जो स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, उस सारे के सारे पीछे डेटा है। अभी अगर मैं बहुत ही आसान अल्फाज में कहूँ कि इस टाइम आपको जो नजर आ रहा है लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर, उसके सारे पीछे 1001 की फॉर्म के अंदर ना, बाइनरी की फॉर्म के अंदर कुछ नंबर्स हैं, नंबर्स ही नंबर्स हैं, ऐसे आपने अज्यूम करना है। अब ये जो थी, ये सबसे एक बेसिक चीज थी कि हमारे पास जो भी चीज होती है वो सारी की सारी चीजें डेटा है। आप जिधर भी देख लो आपको हर जगह डेटा ही मिल रहा होगा। स्ट्रक्चर क्या होता है कि अब हम उस स्ट्रक्चर को, उस डेटा को ऑर्गेनाइज किस तरह करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक ले लेते हो, फोन बुक ले लेते हो, और फोन बुक के अंदर जिस तरह आपके नाम है ना, वैसे आपको सेव शो हो रहा होता है कॉन्टेक्ट्स के अंदर ना। अगर आप अपने मोबाइल के उसको देखो तो ए वाले सारे एक साथ आ रहे होते हैं, बी वाले एक साथ आ रहे होते हैं, और सारी चीजें एक स्ट्रक्चर, एक प्रॉपर वे के साथ हो रही होती है, और बहुत सब कुछ ऑर्गेनाइज हो रहा होता है। वो आपका डेटा होता है, लोगों के नंबर होते हैं, वो ऑर्गेनाइज हो रहे होते हैं। तो इसी तरह एक स्ट्रक्चर होता है कि आप उसको ऑर्गेनाइज किस तरह कर रहे होते हो। एल्गोरिदम क्या है, एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच और या फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे। अगर अभी आपको लग रहा है ना कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है, क्या हो रहा है, हम इसके सारे के सारे पॉइंट्स को कवर अप करेंगे, सो डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। अब एल्गोरिदम क्या है कि भाई मैंने लेना है एक सैंडविच, मैंने एक सैंडविच खाना है, तो मैं क्या करूंगी, पहले मैं ब्रेड पकूंगी, ब्रेड के बाद मैं जो है वो नाइफ लूंगी, नाइफ के साथ मैं सबसे पहले उसकी जो साइड होगी वो उनको कट करूंगी, और उसके बाद एक जैम पकड़ूंगी, जैम को उसके साथ लगाऊंगी, उसके साथ एक चम्मच स्पून के साथ, बाद में मैं उसको फोल्ड करूंगी, और बाद में एक प्लेट के ऊपर रख के मैं उसको सर्व कर दूंगी। एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच थी। इसी तरह जो हमारे कंप्यूटर के अंदर डेटा होता है, या कोई भी चीज, हमारे जितने भी मोबाइल हो गया, कंप्यूटर, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज है ना, उसके अंदर वो जो डेटा है उसको स्ट्रक्चर किस तरह किया गया है, अब आपको एक नजर आ रही है एक पिक्चर की फॉर्म। आपको जो मेरा शो हो रहा है ना, इसके अंदर बिल्कुल मिड के अंदर आपको नजर आ रहा है वट आर डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। साइड के ऊपर व्यू ओनली का आपको नजर आ रहा है, और बाकी सारी चीजें आपके ऊपर ये शो हो रही है, ये सारी की सारी जो आपको साथ में मेरी मेरे टैब के ऊपर शो हो रही है ना, ये सारे के सारे एक डेटा और एक ऑर्गेनाइज वे के साथ है। अब देखने वाली बात है, सारा पीछे बैकएंड के ऊपर 1 0 की फॉर्म है, ये ऑर्गेनाइज किस तरह है, तो मुझे ये बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है, मुझे पता चल रहा है ये वो वाला रंग है, यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम लिखा हुआ है, ये ऑरेंज कलर के साथ ये चीज लिखी हुई है, ये सारी की सारी जो चीजें समझ आ रही है, उनको स्ट्रक्चर करने का जो तरीका है, जो एक स्टेप बाय स्टेप आप उस चीज को कर रहे हो कंप्यूटर के अंदर, स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीजें किस तरह अरेंज और बैलेंस्ड है, इसको अगर मैं बहुत आसान अल्फाज में कहूँ तो ये डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम होता है। आपकी कोई प्रॉब्लम थी, आपको कोई बहुत ज्यादा डेटा था, आप चाहते थे कि भाई आपको स्क्रीन शो हो, आप अपने मोबाइल के ऊपर ना टच पैड के ऊपर चीजों को चला सको, आपका सारे का सारा डेटा इस तरह ऑर्गेनाइज और मैनेज हो गया कि आपको एक तस्वीर नजर आती है, उसके पीछे जो इतना पिक्सल होता है, पिक्सल के पीछे जो 1001 इस तरह के कोई नंबर शंबर होते हैं जिसके पीछे सारी चीजें हो रही होती हैं, वो नहीं आपको शो हो रहा होता। उसको अगर मैं कहूँ बहुत आसान साथ में, तो वो वट आर डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम DSA उसके अंदर कवर अप हो रहा होता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप एक घर है, घर के बनाने के लिए आपको कुछ चीजें चाहिए होती हैं, आपको सरिया चाहिए होता है, आपको ईंटें चाहिए होती हैं, आपको काफी कुछ चाहिए होता है, लकड़ी का सामान चाहिए होता है, ठीक है? अब जो आपके पास वो सामान होता है ना, जो चीजें आपको चाहिए होती हैं, वो आपके क्या होता है, वो आपका लगा लो डेटा स्ट्रक्चर होता है। वो डेटा स्ट्रक्चर है जो आपको चीजें चाहिए, और उन चीजों के साथ जो आप घर बनाते हो ना, पूरा पूरा एक पैटर्न के साथ बना रहे होते हो ना, पहले आप एक नक्शा बनाते हो, फिर आप उसकी जो नींव शींव वगैरह होती है वो भरते हो, उसके बाद आप वो लगाते हो, किस तरह ईंटे लगा रहे होते हो, फिर लास्ट में पेंट करते हो, वो सारे का सारे जो एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच होती है। अब इसी तरह सेम यही है कि एक जो कंप्यूटर प्रोग्राम है ना, वो बन किस तरह रहा होता है, उसके लिए जो जो चीजें हमें एलिमेंट्स चाहिए होते हैं ना उसको बनाने के लिए, उसको हम लोग कहते हैं डेटा स्ट्रक्चर। और उस कोड को हम किस तरह मैनेज और किस तरह ऑर्गेनाइज, किस तरह स्ट्रक्चर करते हैं, किस तरह स्टेप बाय स्टेप जोड़ते हैं, और उस सारे इंस्ट्रक्शन को, कि वो हमारे पास ना एक किस तरह ये प्यारी सी एक स्क्रीन की फॉर्म में शो होता है, उसको हम लोग कह देते हैं कि भाई ये टोटल डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम का कॉन्सेप्ट है। डेटा स्ट्रक्चर जो होगा वही होगा कि जो जो चीजें हमें चाहिए, ठीक है, हम वो चीजें पढ़ेंगे कि हमें कंप्यूटर के अंदर कौन कौन सी चीजें चाहिए जिसके साथ हम लोग सारे के सारा अपना कोड या प्रोग्राम वगैरह लिख रहे होते हैं। अब उन चीजों को मैनेज और ऑर्गेनाइज किस तरह किया जाए, उसको हम लोग कहते हैं ऑर्गेनाइज, उसको हम लोग कहते हैं एल्गोरिदम।
स्टेप बाय स्टेप अप्रोच, किस तरह जैम के साथ ये चीजें पकड़ी थी। अब अगर देखा जाए जैम हो गया, हमारे पास ब्रेड हो गई, ये सारी चीजें जो थी ना हमारे पास, लगा लो डेटा स्ट्रक्चर है। और जो इस तरह हम स्टेप बाय स्टेप उसको बना के ना चीजों को जोड़ रहे हैं, उसको हम लोग कह देते हैं कि वो हमारे पास जो था ना वो है एल्गोरिथम। तो हम यही पढ़ने वाले हैं कि कंप्यूटर के अंदर कोई भी चीज जो पीछे बैकएंड के ऊपर हो रही होती है वो किन चीजों के साथ मिलकर बनती है, डेटा स्ट्रक्चर्स कौन से होते हैं, उनको ऑर्गेनाइज और मैनेज किस तरह किया जाता है कि हमें सब कुछ इतना स्मूथली इतना अच्छा नजर आता है, जो हम चाह रहे होते हैं हम वो बना लेते हैं, हमें गेम का इंटरफेस चाहिए होता है हम गेम का इंटरफेस बना लेते हैं, इतने इतने डिफरेंट किस्म की वेबसाइट्स हैं वो किस तरह वर्कआउट कर रही है। डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम दीस आर एसेंशियल कंपोनेंट दैट हेल्प ऑर्गेनाइज स्टोर डेटा एफिशिएंसी इन द कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी जो है उसके अंदर आप किस तरह एफिशिएंटली सारी की सारी चीजें रन कर रहे होते हो। दे प्रोवाइड अ वे टू मैनेज एंड मैनिपुलेट डेटा इफेक्टिवली इनेबलिंग फास्टर एक्सेस। आप किस तरह डेटा को फास्टर एक्सेस कर सकते हो। डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम मेक इट सिंपल फॉर पीपल टू फाइंड एंड डील विद द इंफॉर्मेशन दे नीड। डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम क्या करता है, बहुत आसान बना देता है चीजों को कि आप किस तरह कर सके। अभी जिस तरह हमसे ना सर ने भी क्वेश्चन पूछा था कि डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम यूज कहाँ पर होता है, गूगल मैप के अंदर आप देखें ना तो गूगल मैप के अंदर सारी की सारी जो नक्शे उसने बना के रखे हुए हैं, सारी चीजें एक दूसरे के साथ ऑर्गेनाइज और मैनेज है। बैकएंड के ऊपर क्या होता है कि लेट्स सपोज मैं यहाँ पे सर्च करती हूँ, ठीक है, फैसलाबाद, मैंने सर्च किया फैसलाबाद, कितने किसको मिनट लगे हैं, ऐसे ऐसे किया उसने। गूगल बेस्ट सर्च इंजन क्यों है, क्योंकि उसने बहुत जल्दी जाया कि ना मैंने जो उसको सर्च किया उसने मुझे वो चीज शो करवा दी। आप कितनी एफिशिएंटली कितनी जल्दी जो आपसे मालूमात पूछी गई है आप उसको शो करवा रहे होते हो वो किस तरह हो रहा होता है। जो बैकएंड के ऊपर सारी चीजें हो रही है ना, जो इसके अंदर ये इतनी जल्दी इसने मुझे शो करवा दिया, ये मुझे भी मैप भी शो करवा देगा, जो सब कुछ हो रहा है पीछे सारे के सारे डेटा स्ट्रक्चर, और उनको इस तरह ऑर्गेनाइज किया गया कि मुझे भी ये प्यारा सा एक इंटरफेस नजर आ रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मुझे प्लीज साथ साथ बताते रहिएगा, जहां से आपको समझ नहीं वहां से आपने मुझे रोक देना है, मुझे बता देना है कि हमें समझ नहीं आ रही, हमें यहाँ से दोबारा फिर बताएं। तो अभी तक डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम वाला पार्ट क्लियर हुआ है आपको? यस मैम, आई एम ऑडिबल यस सो मिस, ग्रेट, यस मिस। मच। आप मुझे प्लीज साथ साथ बताते रहिए ताकि मुझे पता चले कि सारे लोग यहाँ पर जिंदा हैं। और अगर आपको लगे कि आप लोगों को नींद आ रही है तो आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि मैम हमें नींद आ रही है, तो ग्रेट। फील फ्री टू, हाँ तो आप ये भी बता सकते हैं, कोई इतना बड़ी मुश्किल वाली बात नहीं, हम कुछ और ऐसा कर लेंगे, ऐसा सेशन को बना लेंगे कि जिसकी वजह से आपको नींद ना आए। ठीक है, अच्छा थैंक तो यू सो मच, अब हमने बात, थैंक यू सो मच यू आर मैम। वेलकम। अच्छा मैंने अभी नींद, एक सेकंड, आपने पूछा ना क्वेश्चन, एक तो नींद के लिए तो चाय घाल निकल आएगा, लेकिन क्वेश्चन ये है कि आपने जो इंटरफेस दिखाया बेसिकली फैसलाबाद सर्च करके, उसमें काफ़ी लैंग्वेजेस यूज हुई है। फॉर एग्जांपल उसमें वेब डेवलपमेंट यूज हुई है, डाटा स्ट्रक्चर उसमें यूज हुए, वेब डेवलपमेंट में फर्दर डाटा सॉर्ट किया गया, लेकिन जो एक्चुअली कोर्स से रेलिवेंट है, हम उसको स्पेसिफिक किसी भी अदर निश में तो नहीं ना जा रहे, हम एक्चुअली डाटा स्ट्रक्चर को उसमें किस तरीके से दूसरा यूज कर रहे हैं। मेरा ये सवाल है कि अगर वो डाटा वहां पर सॉर्ट हुआ हुआ है, वो हमारे सामने इंटरफेस है, वो पिक्सल की शक्ल में है तो वो तो नजर आ रहा है, लेकिन डाटा जो उसके ऊपर हमें फैसलाबाद लिख के, जो फैसलाबाद से रेलिवेंट जो इमेजेस उसने दिखाई हैं, उसमें एक वेब डेवलपमेंट का भी तो इंटरफेस है। सर, वेब डेवलपमेंट हो, डेटा एनालिसिस हो, डेटा साइंस हो, क्लाउड कंप्यूटिंग हो, कोई भी टेक की फील्ड है ना, कोई भी टेक की फील्ड है, वो सारी बैकएंड के ऊपर ही डेटा स्ट्रक्चर के साथ जुड़ी हुई है, ये उसकी बेस है। आप बैकएंड के ऊपर चेक करेंगे ना, बैकएंड के ऊपर आपको हर चीज के अंदर नजर आ रहा होगा, हर चीज के अंदर अपने डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। जरूरी नहीं है, जिस तरह आप अगर बात कीजिए पाइथन के अंदर थोड़ा डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, सी प्लस प्लस के अंदर जिस तरह टपल्स वगैरह नहीं होते, सेट्स वगैरह नहीं होते, तो हर चीज का अपना डेटा स्ट्रक्चर है। लेकिन हम लोग जेनेरिकली अभी बात कर रहे हैं, अगर आपको ये वाला डेटा स्ट्रक्चर समझ लगे ना जो इस लेक्चर के अंदर या इस कोर्स के अंदर हम लोग करवाएंगे, तो इसका सबसे बड़ी अभी हम लोग बात करेंगे कि इसका फायदा क्या होगा आपको ना, तो उससे आपके जो सारी की सारी बेस जब आपकी क्लियर हो जाएगी ना, बेस बैकएंड के ऊपर हो क्या रहा है, बाकी ये वेब डेवलपमेंट ये बाकी सारी चीजें आपकी वैसे क्लियर हो जाएंगी, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो और मच। आपको विद द टाइम ये सारा का सारा समझ आएगा। अगर आपको लग रहा है कि आपको मैं एक दिन कहती हूँ ना तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा, आपको क्या बोली जा रही है कुछ समझ नहीं आ रही है, कह देंगे हाँ मैं जरा जी सर के क्वेश्चन का आंसर करता हूँ। सर ने जी सर क्वेश्चन किया प्लीज। कि वेब में और भी लैंग्वेजेस यूज होती हैं। मैं भी अपना मन चाह का डिवेल्पर हूँ, पर वहाँ पर ना स्टार्टिंग में जो HTML, CSS, ये जो सारी चीज़ें यूज होती हैं, ये काफ़ी बेसिक्स हैं, और ये इनमें कोई एज सच लॉजिक यूज़ नहीं होता। बट मेन चीज़ तब आती है जब हमारे पास लॉजिकल चीज़ें आती हैं, कि हम चाहते हैं कि हम जब क्लिक करें हमारा डाटा यहाँ से यहाँ जाए, ऐसे यहाँ पर शो हो। तो ये सारी चीज़ें ना हमें डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम तब हमारे पास काम आता है। अगर विदाउट उसके हम करेंगे ना, हम सिर्फ एक डिज़ाइन, एक स्टैटिक वेबसाइट क्रिएट कर पाएंगे तो
हमारे से लॉजिक वाला हो गया नहीं काम, क्योंकि मैं फंसा हूँ इस पे 6-7 मंथ फंसा हूँ। तो फिर उसके बाद जब मैंने डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स पे किया, तो अब कोई भी प्रॉब्लम आती है ना मुझे, तो वो बड़ी इजी लग जाती है कि अच्छा मैं ये क्लिक पे ऐसे करूँगा, इसमें यहाँ पर ऐसे डाटा स्टोर करवा दूंगा और ऐसे। तो वेब डेवलपमेंट में भी काफ़ी ज़्यादा DSA का यूज़ होता है। अगर आप नहीं भी करते, आप ChatGPT से करते हो, तो पर फिर भी ना मतलब आप एफिशिएंट कोड नहीं लिख पाओगे, आप काफ़ी ऐसे गंदा मंदा कोड लिखोगे, उससे आपकी वेब स्लो भी हो जाती है। होप आपको इसका आंसर मिल गया। सर जी 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 मैं भी कुछ इसमें ऐड करना चाहूंगी जितनी मेरी नॉलेज है। आप लोग जी प्लीज मुझे मैम राइट कर दीजिएगा अगर कुछ अब इनकरेक्ट अगर मैं कहूँ तो। मैं सर की बात को मैं जवाब देना चाहूंगी और सर हसन ने बहुत अच्छा समझाया है कि DSA क्यों इतना ज़्यादा ज़रूरी है। ये इसलिए भी है क्योंकि देखिए आपने अभी सर्च किया ना फैसलाबाद या इन सब चीज़ों का, तो मैं जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ मैं ये भी देखती हूँ कि आपने किसी ब्राउज़र पे लिख के आपने सर्च किया ना, तो जो भी ब्राउज़र आप यूज़ कर रहे हैं चाहे गूगल हो चाहे माइक्रोसॉफ्ट एज हो या कुछ भी, उन सब के जो बेसिक एल्गोरिदम्स लिखे गए हैं वो DSA ही है। तो ये DSA इसीलिए जरूरी है क्योंकि इनके बगैर तो आप एक वेबसाइट तो बना देते हैं लेकिन जैसे कि सर हसन ने कहा कि मैं उसमें एफिशिएंट वे में एक तो करना और फिर आपको अपने डाटा को कहीं और पहुंचाना या उसको एक आप अपने लिए सिर्फ तो नहीं बनाते ना, क्योंकि अब आप जब कंप्यूटर लाइन में हैं तो आप डेफिनेटली आप वो चीज आप डेवलप करना चाहोगे जो वर्ल्ड में एसेस करती हो, यानी वर्ल्ड में कहीं भी उसका एसेसिबिलिटी पॉसिबल हो। तो उसके लिए डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम एक प्रोफिशिएंट वे होता है कि आप उसको सीखें। और ये पहले भी जो आपने पहले सवाल किया था कि ये क्यों इतना हर जगह क्यों, तो ये इसलिए भी है कि अभी हमारे बेशक हमारी कंट्री में इसका इतना ट्रेंड नहीं है, बेशक इतना शोर नहीं है, लेकिन हम अगर हर कोई अगर जिसको भी चांस मिलेगा फैंग और मैंग कंपनीज में जाने का, तो वहां चाहे कोई डोमेन में भी आप जॉब करना चाहें इंटरव्यू बकौल सर जफर शाहिद के लीड कोड के ही बारे में होता है, DSA के बारे में ही इंटरव्यू होता है। तो इसीलिए अगर आई होप कि आपको काफी क्लैरिटी हो गई होगी। थैंक यू सो मच। मैम, थैंक मेनली यू मैम। पाकिस्तान में भी DSA यूज होता है। अगर आप IBM में भी जाते हैं ना इंटरव्यू के लिए, तो आपसे DSA पूछा जाता है। या जितनी बड़ी जी कंपनीज सर हैं जो हाई जी लेवल सर पे वर्क कर रही हैं, सॉफ्टवेयर जो हाउसेस के जी अलावा, तो वो सारे आपसे हाँ DSA रिक्वायर करते हैं। और सॉरी आई मेनली एम कटिंग यू DSA सर, आप मुल्क में भी सर बेशक जो बड़ी कंपनीज है डेफिनेटली वो DSA को इग्नोर नहीं कर सकती, वो उनके बारे में जरूर कर पूछती है। थैंक यू सर सामा। ओके सो मैम देन ने और सर DSA ने आपकी दिल्ली लैंग्वेज में भी यूज होता है। लाइक जब आप अपने ब्राउजर टेक्स्ट कर रहे होते हैं व्हाट्सएप पे भी किसी को, तो आपके पास सजेशन आ रहा होता है, उसके पीछे आपके पास ट्रीज का डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है। गूगल पे आप सर्च करते हैं, उसके अंदर भी आपके पास ट्रीज का डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है, जब उसके साथ आपकी मैचिंग होती है। आप जब एडवांस लेवल पे जाएंगे ना, तो आप जाके आगे जाके ट्री पढ़ेंगे, प्रीफिक्स ट्री, तो वहाँ पे वर्ड सर्चिंग के लिए मेनली हमारे पास ना वो डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है, जो सबसे ज्यादा इफेक्टिवली आपको ना सर्च करके देता है। तो मेनली आपकी डेली लाइफ में जो भी आप टेक्नोलॉजी यूज करता है, तो वो सारी डेटाबेस की बेसिस पे बनी होती है। इवन के आप AI के मॉडल यूज करते हैं, तो इनके पीछे जब बिहाइंड एल्गोरिदम्स लगाए जाते हैं, तो वहाँ भी डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम यूज किया जाता है। और जब आप इनसे आउटपुट लेते हैं, उसको अपने अकॉर्डिंग आपने सेट करना होता है, तो उसके अंदर भी आप डेटा स्ट्रक्चर के कंसेप्ट यूज करते हैं, ताकि आप रिक्वायर्ड आउटपुट ले सकें। तो मेनली ऑलमोस्ट हर फील्ड के अंदर डेटा स्ट्रक्चर आपके पास यूज होते हैं, इसलिए इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। जिन 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 जिन, जिन मैं इमामा कायनात के अलावा जिस जिसने आंसर दिया है, मैं उसके हर आंसर को समझता हूँ और मैं उसके अप्रिशिएट करता हूँ और उसकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन आई थिंक सो कि अगर वो यहाँ पे इस वक्त वो लेक्चर या वो एक कोर्स डिलीवर कर रही हैं, आई थिंक बेसिकली वो स्पेसिफिक पर्सन वही होनी चाहिए थी जिन्होंने आंसर किया, और उन्होंने आंसर किया और मुझे समझ आ गया। बाकियों ने जो आंसर किया वो अप्रिशिएटेड है, बट स्टिल एक टीचर के होते हुए बाकियों का आंसर देना अप्रिशिएटेबल तो है, लेकिन सेंसिबल नहीं है। सो अब माय अपोलॉजीज, सर आई कांट क्योंकि अंडरस्टैंड वो क्योंकि वो मैडम बैठी हैं, आप सबकी सुन रही हैं, और वो एक बड़ा डिसरिस्पेक्टफुल, मेरे मुझे इंफॉर्मेशन तो मिल रही है, लेकिन मुझे बड़ा डिसरिस्पेक्टफुल फील हो रहा है मैम के लिए, क्योंकि वो एक एज ए टीचर तो बैठी हैं, लेकिन बाकी सारे आंसर कर रहे हैं, हालांकि उनको आंसर करना चाहिए था और उन्होंने कर भी दिया है। सर। डेफिनेटली आपने बिल्कुल ठीक बात कही है, मैं तब से बैठी यही देख रही हूँ, नोट कर रही हूँ कि ये डिस्कशन लेक्चर नहीं है,
सर मैम को यहाँ पे बोलना चाहिए या आपको, लेकिन बाकी सब डिस्कशन में लगे हुए हैं और मैं वेट कर रही हूँ कि अगली स्लाइड आए और मैम कुछ ना कुछ आगे हमें बताएं, लेकिन पता नहीं क्या कर रहे हैं बाकी सब यहाँ। मैं ना जरा आप सर दोनों के क्वेश्चन का आंसर मतलब देना चाहता हूँ। मीन्स के अब ये जो हम ऐसे डिस्कस कर रहे हैं ना, तो ये इससे ना एक दूसरे के इल्म में इजाफा होता है। मीन्स के अब ब्रदर मैंने भी मेरी सेशन बात सुने, ब्रदर उसके लिए स्लैक है, हम वहां पे कर सकते हैं, लेकिन काइंडली लेक्चर को कंटिन्यू होने दें। थैंक यू सो मच। ओके सर, इट्स ओके मैम, आप कंटिन्यू करें। ओके सो सर, इजी सीन है, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। सर जो हसन है वो अपना पॉइंट भी बता रहे थे और बाकी सबने पॉइंट भी बताया ताकि ना सारी चीजें स्मूथली रन हो सके। ओके सो हम लोग सेशन को नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। तो अभी हमारे पास काफी सारे पॉइंट्स आ गए कि एक चीज बार बार हर बंदे ने मेंशन की कि एफिशिएंटली चीजों को रन करने के लिए ना हम लोग यूज कर रहे होते हैं अपने डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स। ठीक है, अब बात ये आती है कि ये हम लोग को जरूरत ही क्यों होती है ना। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, एक दफा सोचिएगा जरा कि एसी है, एक एसी वो है जो ज्यादा बिजली का बिल देता है और टाइमली उतना ही चलता है, और दूसरा एसी जो है वो आपका बिजली का बिल बहुत ज्यादा उससे आता है लेकिन वो उसको आप ज्यादा चलाते नहीं हो, आप कौन से वाला एसी लोगे? ऑब्वियसली वो वाला एसी जो आपके पैसे बचा रहा है, आपका टाइम वैसे ही पूरा हो रहा है लेकिन आपके जो पैसे हैं वो जो है वो बच रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो उसकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है, वो इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा नहीं ले पा। इसी तरह सेम अगर आप कोई भी वेबसाइट देखोगे ना, अगर आप उसके ऊपर कोई सर्च करते हो, मैं गूगल के अलावा किसी और ब्राउजर के ऊपर सर्च करूंगी ना बिंग के ऊपर, वो बहुत टाइम लेगा, वो टाइम लेगा जिसकी वजह से मेरा ना इतना जल्दी में मेरा फोकस नहीं लेगा, मैं उसको छोड़ के चले जाऊंगी। अब अगर आप बात करो, अगर मैं यही सिस्टम कोई लगा लो, आप ना आप हो मार्क जकरबर्ग, ठीक है, फेसबुक के आप हो ओनर, आपको दो डेवलपर्स हायर करने हैं, एक वो बंदा जो कहता है कि जो मैं आपका सिस्टम होगा ना उसको इतना फास्ट कर दूंगा कि जब यूजर क्लिक करेगा ना फेसबुक को वो बहुत जल्दी जल्दी चलना शुरू हो जाएगा। दूसरा जो है डेवलपर वो कहता है कि और मैं उसके लिए ना आपसे 30 लाख का पैकेज लेता हूँ। दूसरा बंदा आता है, दूसरा बंदा आके कहता है कि मैं जो हूँ ना आपका सिस्टम, वो आपका जो टाइम फास्ट कर रहा था ना, वन टाइम जो था ना आपका डबल टाइम्स कर रहा था, मैं आपका 4 टाइम्स जो है ना सिस्टम फास्ट कर दूंगा, लेकिन मैं आपसे पैसे जो लूंगा ना वो 60 लाख लूंगा। तो अगर आप अभी फेसबुक के एनुअल यूजर्स देखो या डेली यूजर्स देखो तो वो ऑलमोस्ट आपके ना मिलियन बिलियंस के अंदर बन जाते हैं। अगर आप एक यूजर को भी ना वो वैल्यू प्रोवाइड कर देते हो, 1.95 बिलियन ऑलमोस्ट थी जिसके अंदर आप कह लो 95 करोड़ जो है ना इतने यूजर्स डेली यूज करते हैं फेसबुक को, अगर वही जो फेसबुक का सिस्टम है ना वो ज्यादा तेज से चलना शुरू कर देता है, मैं कोई चीज क्लिक करती हूँ ना वो ज्यादा सब कुछ अभी भी बहुत ज्यादा फ्लुएंट है और ज्यादा फास्ट हो जाता है ना, तो यूजर उसकी तरफ और ज्यादा भागेगा। इंस्टाग्राम हमें क्यों पसंद है? क्योंकि वो बहुत जल्दी ना आपको रील जो है ना वो नीचे स्क्रॉल करने का खुद ब खुद ही कहना शुरू कर देता है और आप उसको स्क्रॉल करते रहते हो और बैठे रहते हो, क्योंकि उस चीज के अंदर एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है। आपकी कंपनी को ब्रेक करने वाली, आपको पैसे दिलाने वाली और आपके पैसे डुबाने वाली वो एक ही चीज है, वो है आपकी एफिशिएंसी। आपकी वेबसाइट, आपका कोई सिस्टम है, आपने कोई भी चीज बनाई है ना, वो जितनी फास्ट से चल रहा होगा, जितना ज्यादा अच्छा यूजर एक्सपीरियंस दे रहा होगा, जितनी एफिशिएंटली आपको चीज ढूंढते हो वो आपको सर्च करके बता रहा होगा, आपको उतना ज्यादा अच्छा लगेगा। जिसमें आपको गूगल मैप में ज्यादा टाइम लगेगा ना तो आपको वो चीज जो है वो अच्छी नहीं लगेगी। इज इट मेक सेंस? तो अभी अगर हम बात करें डेटा स्ट्रक्चर की, डीएसए की, तो डीएसए के अंदर हमारी अगर कोई भी, जिस तरह अभी आपको सर ने बताई एक दो चीजें और आपको सर उसामा ने भी बताई कि हम लोग एफिशिएंसी को देख रहे होते हैं, उसके अंदर हमारे पास ना एक और चीज आती है, उसके अंदर हमारे पास आ जाती है कि आप अपने टाइम को कितनी, दो चीजें आती हैं। पहली बात, आप कितनी एफिशिएंटली, आपका सिस्टम कितना फास्ट है, कितनी जल्दी आप अपना कोई प्रोग्राम लिखते हो वो रन हो रहा होता है कंप्यूटर के अंदर, ये चीज। और दूसरी बात, वो कितनी स्पेस ले रहा है। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज के भाई मुझे गेम खेलने का पसंद है, एक गेम खेलनी पसंद है, ठीक है, अब वो गेम जो है ना उसके वो मेरी मेमोरी बहुत ज्यादा लेती है, मुझे गेम खेलने का शौक बहुत है लेकिन मेरे पास ना इतना डिवाइस जो है ना वो इतना काम का नहीं है, उसके अंदर ना बहुत गरीब किस्म का डिवाइस है, मेमोरी बहुत कम है उसके अंदर, तो मुझे ना वो एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और मुझे वो गेम खेलनी, लेकिन जब भी मैं उस डाउनलोड करती हूँ ना तो वो मेरा जो है ना मोबाइल मुझे नोटिफिकेशन दे देता है कि भाई आप नहीं कर सकती, आप रहने दो, आपके जो है ना वो सारा का सारा सिस्टम कंट्रोल ही नहीं कर सकता। अब वही जो कंपनी है अगर वो अपने सिस्टम को, अभी मैं आपको अगर एग्जांपल दूं तो ऐसी
ना 8 पहले वो थी जिसकी बहुत ज्यादा ना एमबीज और बहुत सारी मेमोरी स्पेस ले, उसने उसी को लाइट वर्जन के अंदर जब करके शेयर किया ना यूजर्स को दिया, तो उसी के सारे जो वही गेम वही सब कुछ के साथ ना इतने सारे लोगों ने, इतने सारे यूजर्स ने उसको साइन इन किया और वो उसको यूज किया, क्योंकि वो अब जो उनका जो गरीब डिवाइस था उसके अंदर कम मेमोरी के साथ कम मेमोरीज लेके वो आपका जो गेम था वो खेला जा रहा था और वो इजिली एक्सेसिबल। अब मुझे कौन सा सिस्टम अच्छा लगेगा, वो वाला जो मेरी जो है टाइम जो है वो बहुत जल्दी जल्दी रन कर रहा है और स्पेस बहुत ज्यादा कम ले रहा है, मैं अपने पीसी के अंदर उसको डाउनलोड करती हूँ थोड़े से वो एमबी लेता है और मेरा सारा का सारा काम कर देता है, या एक वो सिस्टम जो बहुत ज्यादा टाइम भी ले रहा है उसको मैं जब चलाती हूँ तो मुझे घंटे बैठना पड़ता है, 3 मुझे 5-6 मिनट लग जाते हैं वो फिर जाके सिस्टम खुलता है फिर मैं उस गेम को खेलना शुरू करती हूँ, बहुत ज्यादा हैवी है। इसके अंदर ये है कि आपका कोई भी जो चीज है ना जो आपकी कंपनी को ब्रेक और मेक कर सकती है, या आपकी इनकम या आपकी सैलरी एज अ डेवलपर को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकती है, वो ये है कि आप अपना जो भी सिस्टम बनाओ उसको कितना एफिशिएंट बनाते हो। एफिशिएंट की दो डेफिनेशंस मैंने बताई, एक पहली बात की वो कितनी जल्दी आपका कोई ना कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है, सेकेंड चीज वो कितनी कम स्पेस ले रहा है, वो कितना ज्यादा मेरे लिए वो चीज जो है वो आसानी ले रहा है। और इस सारे टॉपिक को हम लोग कहते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ये मैं अंदर मैं इसको इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने वाली थी, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वैसे पढ़ेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा बता रही हूँ ताकि आपको ना नेक्स्ट लेक्चर तक थोड़ा पता हो कि हम लोगों ने ना कल क्या करना है, क्योंकि आज का तो ऑलमोस्ट सारा का सारा दिन ना चलेंगे। मतलब मैंने एक अभी एक बात कही है कि हर बंदा कह रहा है कि जो डेटा स्ट्रक्चर है ना वो अपनी चीज को ज्यादा आपकी एफिशिएंट बना लेते हैं, अभी भी आप यहाँ पे देखोगे ना यहाँ पे भी आपकी फिर परफॉर्मेंस का वर्ड आ रहा है कि आपके परफॉर्मेंस को बहुत फास्ट कर देगा। परफॉर्मेंस को किस तरह फास्ट करेगा, वो इस तरह फास्ट करेगा कि इसके अंदर दो चीजें आती हैं जब भी हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहे होते हैं, पहली कि आपका जो टाइम है वो कितना ज्यादा आपका कम लग रहा है उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हुए, मैंने गूगल को कहा कि भाई मुझे चीज दिखा दो, उसने मुझे फौरन सर्च कर दिया। दूसरा वो कितना कम मेरी मेमोरी ले रहा है और मेरा कितना कम जो है मेरा जो गरीब डिवाइस है वो भी उसके ऊपर चल सकता है, ये दो चीजें। तो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम उसी के लिए हमारी हेल्पफुल होता है कि हम लोग एक ऑप्टिमम एक अच्छा कोड कैसे लिखें जिसके साथ हमारा जो वही सेम चीज वही सेम प्रोग्राम है कम टाइम के अंदर कम स्पेस के साथ वो एग्जीक्यूट हो जाए। हम कल इस टॉपिक को पढ़ेंगे कि यार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी किस तरह होती है और हम एक प्रोग्राम की किस तरह कर सकते हैं, और ये डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों हम डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम में बार बार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और ये बात कर रहे हैं एफिशिएंट का वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं, और एफिशिएंट की ये दो जो डेफिनेशंस हैं ये क्या है आपस में। ओके सो अभी अगर मैं बात करूं कि अब डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम ये एफिशिएंट का वर्ड यूज हो रहा है, इस वजह से मैंने बताया ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक था, हम लोग इसको कल कवर करेंगे। अगर मैं बात करूं कि हम लोगों को डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम पढ़ने क्यों चाहिए, पहली बात आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत ज्यादा इंप्रूव होती है। अभी आपको बाद में पता चलेगा आपको डिफरेंट क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, लीट कोड के क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे करवाएंगे हर डेटा स्ट्रक्चर हर उसके हिसाब से, और आप उस क्वेश्चन को जो हो ना पहले अंडरस्टैंड करोगे, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, उसको थिंक करोगे, फिर उसकी आप अप्रोच देखोगे कि मैं कम टाइम और कम स्पेस के साथ उसको एफिशिएंटली किस तरह उसको ऑप्टिमम कोड को ना प्रेजेंट कर सकता हूँ। पहली चीज ये क्यों, क्योंकि कोई भी कंपनी जो है वो कितने भी पैसे देने को तैयार है अगर आपको अच्छे तरीके से एफिशिएंट कोड लिखना आता है, उसकी जो वेबसाइट है या उसका जो सिस्टम है बहुत तेजी से और कम स्पेस के साथ हर बंदा इस्तेमाल कर सकता है, कोई गरीब बंदा भी इस्तेमाल कर सकता है जिसकी मशीन जो है वो इतनी काबिल नहीं है। सेकेंड नंबर पे बिल्डिंग एप्लीकेशन, हमारी जितनी एप्लीकेशन बन रही होती है, जिस तरह सर ने मैं बताया कि भाई वो भी डिफरेंट जो हम कहाँ कहाँ पर यूज करते हैं, तो हर बंदे ने बताया कि हम डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मैप्स के ऊपर, सरोसामा ने बताया सर्च इंजन पे, गूगल के ऊपर बात की गई, और ये सारी की सारी जो चीजें प्लेटफॉर्म्स और जो सब कुछ जो भी हो रहा होता है हम कोई भी एप्लीकेशन बना रहे होते हैं बैकएंड के ऊपर जो है ना वो हम लोग यही चीज यूज कर रहे होते हैं, जो है हमारे पास कि किस तरह हम लोग डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम वर्क कर रहे होते हैं और वो कितनी जल्दी आपका डेटा प्रोसेस किस तरह इतनी आसानी से हो रहा होता है। मैंने उसे कहा कि फैसलाबाद, उसने मुझे फौरन उसकी तस्वीरें दिखा दी, और जो उससे जिस वेबसाइट के अंदर अभी अगर मैं देखूं तो अच्छा जिस वेबसाइट के अंदर सबसे ज्यादा फैसलाबाद का वर्ड यूज किया गया था ना वो ये विकीपीडिया थी, उसने मुझे सबसे ऊपर लाके किस तरह दिखा दी 1 सेकंड के अंदर, 1 सेकंड में नहीं 0.05 सेकंड लगे होंगे, जिस तरह जितनी जगह के ऊपर फैसलाबाद था उसने मुझे सारी चीजें दिखा दी, इतनी एफिशिएंट थी। ठीक है तो बैकएंड के ऊपर क्या है वही डेटा स्ट्रक्चर वाली कहानी है कि टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी किस तरह हो रही होती है। तीसरे नंबर पे भाई इंटरव्यू प्रिपरेशन, कोई भी बड़ी टॉप की कंपनी देख लो जब भी वो आपका इंटरव्यू लेगी जब भी आपका वो कुछ करेगी वो हमेशा गूगल हो जाए अमेजोन हो फेसबुक हो माइक्रोसॉफ्ट हो कोई भी कंपनी हो वो आपसे डेटा स्ट्रक्चर के क्वेश्चन जरूर पूछेगी, उससे क्या होगा कि उसे पता चलेगा कि इस बंदे को पता है कि बैकएंड के ऊपर क्या हो रहा है और वो एफिशिएंटली
वही सेम प्रोग्राम जो किसी बंदे ने बहुत बड़ा सारा लिखा हुआ है उसको कम टाइम कम स्पेस में और कितनी जल्दी कितनी एफिशिएंटली उस सेम प्रॉब्लम को अपने दिमाग में सोचते हुए सॉल्व कर देता है। ठीक है, चौथे नंबर पे हमारी परफॉर्मेंस जिसकी मैंने बात की कि आपको पता चलता है कि आपकी जो सीपीयू की मेमोरी है कितनी जल्दी जल्दी आपका जो मेमोरी है जितनी भी आपकी मेमोरी है उसके अंदर वो रन हो रहा है, उसका टाइम वो कितना ले रहा है, बाकी सारी की सारी जो चीजें हैं हम उसको किस तरह देख रहे हैं, वो सारी की सारी चीजें हम लोग हैंडल कर रहे होते हैं। इस वजह से हम लोग पढ़ होते हैं डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। ओवरऑल अगर बात की जाए तो ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इम्प्रूव करता है, हमें पता चलता है कि कंप्यूटर अंदर से क्या काम कर रहा है और लॉजिकली हम सोचते हैं, हमारे ब्रेन के जो मसल्स होते हैं वो ट्रेन होते हैं कि चीजों को हम लोग को लेके किस तरह चलना। सेकंड नंबर के ऊपर बिल्डिंग एप्लीकेशन के ऊपर बात की जाए, आपको पता चलता है कि आप कोई भी एप्लीकेशन अगर हम गूगल मैप को देखें, हम ट्विटर को देखें, हम फेसबुक को देखें, हम लोग लिंक्डइन को देखें, इन सब के अंदर एक ग्राफ्स होते हैं। ठीक है, और लाइक अभी अगर मैं आपको शो करवाऊं तो हमारे पास ना इधर मैं आपको शो करवाती हूँ। अब ग्राफ भी एक ना डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर सारे के सारे जो उसके अंदर ना सारे के सारे जो है आपकी सारी चीजें ना वो आपस में कनेक्टेड है। मतलब ये इस तरह एक बंदा था मेरा दोस्त था, उसका कोई और म्यूचुअल फ्रेंड था, उसकी कोई और नेक्स्ट म्यूचुअल, आमना और आयशा मेरी दोस्तें थी, देन उनकी दोस्तें फातिमा और जैनब थी, मुझे उनकी किस तरह रिक्वेस्ट आई जा रही है, रिकमेंडेशन क्यों आ रही है मुझे लिंक्डइन के ऊपर फेसबुक के ऊपर कि आप इसको भी ऐड कर लो, वो सारा प्रोसेस किस तरह हो रहा होता है। बैकएंड के ऊपर हमारे पास ग्राफ का डेटा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और ये सारी हमारे इससे रिलेटेड थी कि हम क्यों पढ़ रहे हैं और लास्ट के अंदर हम लोग इस सारे कोर्स के अंदर कवर अप क्या कर रहे होंगे, ये कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, हम लोग इधर नीट कोड को फॉलो कर रहे होंगे और जिसके अंदर हमारे पास ना दो मॉड्यूल्स होंगे, एक ये वाला मॉड्यूल ऊपर वाला एरे वाला और नीचे जो है वो हमारे पास होगा ये ट्रीज वगैरह वाला। अगर हम इंटरव्यू की बात करें तो हर इंटरव्यू में एक क्वेश्चन जो होता है मोस्टली इधर से पूछा जाता है ऊपर वाले पोर्शन से, और एक जो होगा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ये नीचे वाले पोर्शन से। हम इसकी सारी डिटेल से करेंगे, हम सारे इसको अंदर कवर नहीं करेंगे, लाइक हम लोग ये एरे करेंगे, टू पॉइंटर करेंगे, स्टैक करेंगे, बाइनरी सर्च करेंगे, स्लाइडिंग विंडो, लिंक्ड लिस्ट, ट्री, ट्राइज, बैक ट्रैकिंग, ग्राफ करेंगे हम लोग, ये वाले जो लास्ट वाले ये बिट मैनिपुलेशन ये वाला और थोड़े से ग्रीडी और इंटरवल्स, हम लोग इनको नहीं इतना ज्यादा फोकस नहीं कर रहे होंगे, हमारे मेजर फोकस यही होंगे और ज्यादातर इंटरव्यूज में आते भी हैं। 2 मिनट रह गए हैं, तो अभी तक हमने जो आज सेशन में देखा डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम होता क्या, पहली चीज क्या है ये डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम, उसके बाद जो है हम लोग इसको किस तरह एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, हम इसको पढ़ते ही क्यों है, क्या बैकएंड के ऊपर चीजें हो रही होती हैं और क्यों जरूरी है, क्योंकि इंटरव्यू के लिए हमें चाहिए होता है, इसकी डिफरेंट टाइप्स भी होती हैं। और मैंने बताया कि हम लोग इस कोर्स के अंदर क्या कवर करने वाले हैं, हम ये वाले सारे टॉपिक्स को कवर अप करेंगे और ये 8 to 9 weeks का जो होगा सेशन होगा फॉर ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क फ्रीली, हमारे पास सिर्फ 2 मिनट हैं और 9 बजे के बाद ये खुद ब खुद ही मीटिंग्स होगी बैंड। मिस एक्सक्यूज मी, इसकी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होंगी यस मैम श्योर, इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होंगी, हम फेसबुक कोशिश पे? करेंगे इसको YT के ऊपर भी करवा दें। ओके, फेसबुक पर? ओके हाँ मैम फेसबुक के ऊपर तो कंफर्म होंगे। ओके, एंड यूट्यूब? मैम यस यूट्यूब के ऊपर भी मोस्ट प्रोबेबली हम कोशिश करेंगे क्यों। ओके ओके, थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम मैम। अगर सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन आप पूछ सकते।